हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है? COP, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे दर्शाते हैं या उसको बताते हैं कि COP कैसे डिनोट की जाती है। दूसरा, इसकी COP की कोई यूनिट नहीं होती है कि हम जैसे कहते हैं कि ये शुगर है, कि ये 1 kg है। इस टाइप में kg क्या है? यूनिट है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो हम कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये COP किसी रेफ्रिजरेटिंग मशीन की बताते हैं जब, तो उसको हम अनुपात में बताते हैं कि रेशियो में, ठीक है। तो मशीन की जो एफिशिएंसी होती है, जो कूलिंग एफिशिएंसी है, वो एक्सप्रेस की जाती है रेशियो में, अनुपात में। तो उसको हम, उसकी परफॉर्मेंस को, काम करने की क्षमता को हम बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? COP, ठीक है। तो K = COP, यानी कि COP को डिनोट किया गया है K से। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम बात कर रहे हैं इस पे। तो COP बराबर, COP क्या है? डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। डिजायर्ड का मतलब जो हमें चाहिए रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। उसके नीचे क्या है? मैकेनिकल वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस डिजायर्ड रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, के हमें कोई मैकेनिकल काम करना पड़ेगा। किस लिए? कि इस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को पाने के लिए, जो हम चाहते हैं ये इफेक्ट रेफ्रिजरेशन, तो उसके लिए हमें कोई मैकेनिकल काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया इसका फॉर्मूला? K = COP/NW। अब N क्या है और W क्या है? N को हम बताएंगे कि रेफ्रिजरेशन जनरेटिंग इफेक्ट इज दैट हीट एब्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए कोल्ड बॉडी इन ए गिवन टाइम, के किसी एक समय में दिए हुए ठंडी जगह से, ठंडी बॉडी के अंदर से हीट को निकाल के बाहर करना। जैसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी स्पेस के अंदर, अब यहां पे क्या है? टेम्परेचर डाउन है, ये है कोल्ड बॉडी हमारी। तो यहां पे जो हीट है, इसको यहां निकाल के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में जब हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो हीट को जब एटमॉस्फेयर में, एक ठंडी बॉडी से हीट को निकाल के और बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं, वो क्या है? रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट मिलता है एक टाइम के अंदर। ऐसा नहीं है कि उसको रेगुलर हम कुछ करता रहे और उसका कोई टाइम लिमिट ना हो, लेकिन ये टाइम बाउंड की बात है। तो ये N क्या हो गया? वो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट हो गया डिजायर्ड टाइम के अंदर, डिजायर्ड जो हमें चाहिए और एक समय के अंदर। और W क्या है? जो इसके काम के नीचे है, वर्क रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन इन सेम गिवन टाइम, कि जो हम मैकेनिकल काम करना चाहते हैं ये इफेक्ट प्राप्त करने के लिए, तो वो मशीन को चलाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं उसी टाइम के अंदर, जो टाइम दे रखा है, चाहे 1 आवर हो, आधा घंटा हो, तो वो काम जो हम मशीन को चलाने के लिए करेंगे, और उस मशीन से काम क्या मिलेगा? हम ये डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिलेगा। तो क्या फॉर्मूला बन गया? तो N तो क्या है? डिजायर्ड रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और W क्या है? कि कोई मशीन काम कर रही है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को लेने के लिए। तो जब COP को हम निकालते हैं, तो ये हीट पंप की होती है, यानी कि हीट को बाहर छोड़ने की जो क्षमता है उसको हम COP में कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हीट पंप कहते हैं। जहां जैसे हीट पंप का मतलब है एयर कंडीशन ही है हमारा, हीट पंप एक एयर कंडीशन है, लेकिन उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? जैसे कंप्रेसर हो गया,
ये कंडेंसर हो गया, ये सबको याद होगा, रेफ्रिजरेशन साइकिल। अब ये कंप्रेशन हमने चला दिया, कंप्रेशन चलाने के बाद इसने यहां से हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और वो हीट लेके यहां कंडेंसर में, कंडेंसर के थ्रू बाहर निकाल दी। तो ये हमारा हीट पंप का काम किया है इसने, कि जो हीट यहां से ली थी उसको यहां पे छोड़ दिया। ठीक है, तो अब इसकी वर्किंग और थोड़ा समझने के लिए कि आसान कर देते हैं इसको, कि ये चीज क्या है जो हम बताना चाह रहे हैं। मान लो हमारे पास एक मोटरसाइकिल है और उसमें पेट्रोल डलता है, पेट्रोल डलने के बाद क्या होगा, इंजन स्टार्ट होगा और वो मैकेनिकल वर्क करना शुरू कर देगा। अब वो कितनी दूर, एक लीटर पेट्रोल के अंदर वो कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि मैकेनिकल वर्क तो क्या हो गया हमारा, कि जो हमें वो दूरी तय करनी थी मोटरसाइकिल के थ्रू। मोटरसाइकिल का इंजन चल रहा है पेट्रोल के द्वारा, तो पेट्रोल का खर्चा होगा, तो वो हम जैसे कंपनियां बताती हैं कि भाई एक लीटर में 60 किलोमीटर चलेगी, 70 किलोमीटर चलेगी, तो वो डिजायर्ड इफेक्ट ये है कि वो किलोमीटर में हमने बता दिया कि इतने किलोमीटर ये 70 किलोमीटर चलेगी। यहां पे क्या है कि वो मशीनरी के लिए कि एक लीटर पेट्रोल किसी मशीन के अंदर चला दें, डाल देंगे मोटरसाइकिल के अंदर, तो वो मैकेनिकल वर्क करेगी, उससे हमें ये चीज मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे हीट पंप को हम चलाएंगे मैकेनिकल। हीट पंप कैसे चलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल काम होगा, कोई मशीन चलेगी, तब वो जाके उस हीट को रिजेक्ट करेगी यहां से दिए गए टाइम के द्वारा, तो हमें ये चीज मिलेगी। अब इन दोनों का अनुपात होता है कैसे, कि मान लो एक किलो वाट जैसे सीओपी हम कह देते हैं कि इसकी सीओपी 4 है, कोई मशीन बता दी कि उसकी हमने सीओपी 4 है भाई इसकी, कि ये जो परफॉर्मेंस दे रही है मशीन इसकी सीओपी कितनी है, 4 है। अब ये 4 कैसे हुई, 4 का मतलब है कि 1 किलो वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने मशीन को दी। 1 किलो वाट क्या है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और इसने क्या किया, 4 किलो वाट हीट एनर्जी, हीट एनर्जी को बाहर निकाला। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस कि 1 किलो वाट तो बिजली इस्तेमाल की गई और 4 किलो वाट हीट को हमने एक कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो जो ये अनुपात होता है इसको हम सीओपी कहते हैं, के से डिनोट करते हैं। अभी इसमें सीओपी को हम देखते हैं कि एक तो एक्चुअल सीओपी कहलाती है और एक होता है थ्योरिटिकल सीओपी और एक होता है रिलेटिव सीओपी। तो इनके क्या मायने हैं, थ्योरिटिकल सीओपी का मतलब है जो हमने ये बता दिया, जैसे कंपनी ने एक मोटरसाइकिल के बारे में बताया कि ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी, थ्योरिटिकल है, लेकिन जब एक्चुअल में क्या आती है वो, कि जब उसकी परफॉर्मेंस हम देखते हैं प्रैक्टिकली तौर पे खुद, कि मैंने 1 लीटर पेट्रोल डलवाया है और उसको कहीं पे लेके गया, तब वो एक्चुअल में आई 60 किलोमीटर। ठीक है, कि 1 लीटर में 60 किलोमीटर चली, क्योंकि उसने जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली तौर पे काम किया था कि कहीं ब्रेक लग गए हैं, कहीं खड्डा आ गया, तो वो होती है उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस। थ्योरिटिकल तो कंपनी ने एक मशीन बना दी है कि ये 1 लीटर में 70 किलोमीटर चलेगी, वो कंपनी के अपने पैरामीटर्स होते हैं कि उसमें लीटर में हमने वहां पे कितने ब्रेक मारे, कितने क्लच दबाए, वो नहीं होता उसमें काउंट, वो थ्योरिटिकल में बिल्कुल एक्चुअल होती है, कि आइडियल जिसको हम कहते हैं कि इस पैरामीटर्स पे वो बनाई गई है। ऐसे ही यहाँ पे मशीन भी जब हम बनाते हैं तो हम कहते हैं कि ये डेढ़ टन की मशीन है, डेढ़ टन की मशीन यानी कि 18,000 BTU हीट को ट्रांसफर करेंगे, 12,000 BTU का 1 टन है हमने बताया था,
अगर मान लो 12,000 BTU हम कहते हैं तो एक टन है, तो कंपनी ने बता दिया कि भाई एक टन की मशीन है 12,000 BTU की हीट को ट्रांसफर करेगी, लेकिन जब एक्चुअल में जब काम आता है तब वो काम नहीं होने पाता क्योंकि उतने पैरामीटर्स हमारे घरों में पूरे नहीं होने पाते। तो एक्चुअल क्या आती है, जब बिल्कुल प्रैक्टिकली तौर पे हम उसको जांच करते हैं तो वो एक्चुअल कहलाती है। थ्योरिटिकल कंपनी ने जो बढ़ा दिया पैरामीटर, एक मशीन इस पैरामीटर पे बनाते हैं। अब इन दोनों को रिलेटिव कहां पे आ गई, ये आती है इनकी एक्चुअल सीओपी ऑब्लिक थ्योरिटिकल सीओपी, तो ये होती है रिलेटिव सीओपी। तो आज ये सीओपी के बारे में बात की थी, इससे फिर आगे एक चीज और निकल के आती है EER, एनर्जी एफिशिएंट रेशियो, वो कूलिंग के लिए होती है और ये सीओपी हीटिंग के लिए होती है। वहां पे हम देखते हैं कि कूलिंग कितनी परफॉर्मेंस दे रही मशीन, यहां पे सीओपी हीट के लिए इस्तेमाल की जाती है कि हमने हीट एक जगह से दूसरी जगह कितनी एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर की है। लेकिन EER एनर्जी एफिशिएंट रेशियो जो होती है वो कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कोई मशीन बनाई उसने कूलिंग कितनी की है, उसको निकालते हैं हम मशीनों के ऊपर। आपने देखे होंगे कि वाटेज भी दे रखी है उसमें कि EER को हम कैसे निकालें, तो उसको आप आसानी से निकाल सकते हो EER को। वो कैसे निकालेंगे कि मान लो आपके पास एक मशीन है, वो बता देते हैं कि एक टन की मशीन है, एक टन की यानी कि 12,000 BTU हो गए, 12,000 BTU है और साथ में उसके वाट दे रखे होंगे या एम्पियर दे रखे होंगे। 12,000 BTU की मशीन मान लो 6 एम्पियर लेती है, एक टन की मशीन है कोई तो 6 एम्पियर लेगी। अब 6 एम्पियर को आप क्या करेंगे, वाटेज में कन्वर्ट कर लो इसको, यानी कि 230 से अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 6 को मल्टीप्लाई कर दो 230, 6 × 18 एक 12 और एक 1380, ये वाट निकल के आ गए इसके। तो 6 एम्पियर की जगह मैं अगर लिख दूं कि 1380 वाट, ये तो क्या हो गया हमारे BTU हो गए, कि एक कैपेसिटी बता दी मशीन की कि इतने BTU ट्रांसफर करती है और ये वाट हो गए हमारे। तो इसमें मान लो 1300 वाट है। अब हमें EER निकालनी है यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कूलिंग की, तो वो क्या करेंगे हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके जितना भी इसकी पोजीशन आ जाए, अब मैं इसको भाग दे दूंगा कितने में, 12,000 को हमने भाग दे दिया 13 से, तो 0 आ गई क्योंकि इससे कैलकुलेट नहीं हो रही। 13 × 117 कितना बच गया, 3 × 13 = 26, तो 9 कुछ यहां पे आपकी ये आ जाएगी, 9.3 के आसपास इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर ये वाटेज कम हो जाती है, मान लो यहां पे अगर 1200 वाट में 12,000 BTU ट्रांसफर हो रहे हैं तो क्या है EER बढ़ जाएगी एनर्जी एफिशिएंसी। अगर मान लो यहां 12,000 BTU है और कोई 1000 वाट लेके कर रहा है तो कितनी परफॉर्मेंस आ गई इसकी, 12 आ गई। तो जितने वाट ज्यादा लेगी और BTU उतने ही है तो क्या होगा, इसकी एफिशिएंसी यानी कि कूलिंग एफिशिएंसी कम है। तुम किसी भी मशीन पे जाके ये चेक कर सकते हो, EER अगर चेक करना है, मशीन का परफॉर्मेंस चेक करनी है कि मशीन कितने वाटेज में, यानी कि पेट्रोल कम डलेगा माइलेज ज्यादा देगी तो क्या है परफॉर्मेंस अच्छी है, पेट्रोल ज्यादा डल रहा है माइलेज कम दे रखी है इसका मतलब वो खराब है उसकी परफॉर्मेंस। तो सेम ऐसा ही है, EER तो कूलिंग के लिए है जो हम चेक करते हैं, COP हीटिंग के लिए है कि कितनी हीट एक मशीन मैकेनिकल काम करके और रिक्वायर्ड कर रही है। यहां पे किलोवाट के अंदर क्या हुआ कि जैसे 1 किलोवाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी
लेके और 4 किलोवाट अगर हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो ये इसकी सीओपी होगी कि अच्छा काम कर रही है। अगर यही काम कम कर दे कि 3 किलोवाट करेगी तो क्या है, खराब है। इसका मतलब सीओपी भी अच्छी होनी चाहिए, ईईआर भी अच्छी होनी चाहिए, तभी मशीन अच्छी काउंट आती है कि उसकी परफॉर्मेंस ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक था सीओपी का, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अगर इस बारे में कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए नमस्कार।